दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गाड़ी लोन पे है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में आपको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है एम परिवहन, इतना लिख के आपको सर्च करना है। उसके बाद जो है पहला आपको लिंक, जो भी आपका पहला लिंक है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जिसे पे क्लिक करेंगे तो जो है जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है एम परिवहन का, उस पोर्टल पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारा आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशनल सर्विस पे आप आएंगे तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं नो योर व्हीकल डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो है कैप्चा कोड दिया है भरने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे, यदि इस पोर्टल पे यदि आप नए हैं तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है आपको डाल लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी, उसका जो भी है कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड भर के जो है जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और मेल पे दोनों पे ओटीपी आएगा। उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे, जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। अकाउंट बढ़ जाने के बाद क्या करना है, आपको दोबारा से इस पोर्टल पे आ जाना है और जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे फिल किया था वो मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिया है इसमें भर के आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से पासवर्ड आ जाएगा भरने के लिए। तो आपने जो भी आपका पासवर्ड वहाँ पे देगा नया बनाने के लिए, तो आपने पासवर्ड बना लिया होगा, तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ओटीपी भर लेना है। ओटीपी भरने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको आरसी डिटेल स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटर व्हीकल नंबर, तो जो भी आपका गाड़ी का नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर फिल करने के बाद उसका जो भी कैप्चा कोड दिया है इस कैप्चा कोड को क्या करना है, आपको भर लेना है। कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पे सर्च वाहन सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिटेल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यदि आपके गाड़ी पे जो है लोन रहेगा तो आपको यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको खाली दिखा रहा है। यहाँ पे अगर गाड़ी पे आपका जो भी लोन रहेगा तो यहाँ पे आपको फाइनेंस एस लिख करके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे खाली दिखा रहा है, इसका मतलब जो है आपके गाड़ी पे जो है एक भी लोन नहीं है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी गाड़ी का जो है अपना चेक कर सकते हैं गाड़ी पर लोन है या नहीं। तो आई होप कि मेरा दी गई जानकारी आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।